अक्सर चुनावों से पहले ऐसा होता है कि कुछ नेताओं को पार्टी से निकाला जाता है, कुछ नए नेता किसी पार्टी में शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक घमासान इस समय मचा हुआ है, उन सबके बीच एक सवाल फिर से आ रहा है कि आखिर जो नेताओं को पार्टी से निकाला जाता है, उन्हें 6 साल के लिए ही क्यों निकाला जाता है। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव को पार्टी से निकाला, रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाला और दोनों को 6 साल के लिए ही निकाला। हालांकि बाद में अखिलेश को वापस ले लिया गया और रामगोपाल यादव को फिर से निकाल दिया गया, फिर लिया गया, फिर निकाला गया। ये प्रक्रिया कई बार हो चुकी है। थोड़ा अगर आप पीछे जाएं तो भाजपा ने राम जेठमलानी को 6 साल के लिए निकाला था, 2009 में समाजवादी पार्टी ने आजम खान को भी 6 साल के लिए निकाला था। तो एक सवाल हम सभी के मन में आता है कि ये जो समय है वो 6 साल ही क्यों होता है, 5 साल क्यों नहीं होता है, 7 साल क्यों नहीं होता है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और इसी सवाल का उत्तर जानने के लिए हम इस समय डॉक्टर ए के वर्मा के साथ हैं, जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन पॉलिटिक्स के निदेशक हैं। तो हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये अवधि 6 साल ही क्यों है, 5 साल या 7 साल क्यों नहीं है, कम या ज्यादा क्यों नहीं है। सर, क्या लगता है आपको, अभी जो रामगोपाल यादव को तो हालांकि इतनी बार पार्टी में लिया गया है और निकाला गया है कि गिनती मुश्किल है, लेकिन कोई भी पार्टी अपने किसी भी नेता को, चाहे वो किसी भी वजह से हो, पार्टी विरोधी गतिविधि हो या कोई भी वजह हो, उसको 6 साल के लिए ही क्यों निकालती है, वो अवधि कम या ज्यादा क्यों नहीं होती है? सर, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और मैं समझता हूँ कि एक छात्र के रूप में हम सभी लोगों के दिमाग में ये बराबर बात आती है कि भाई 6 साल इतना अहम क्यों है पार्टियों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आप निकालें तो 6 ही साल के लिए पार्टी से किसी अपने सदस्य को निकालें, लेकिन इसकी एक व्यावहारिक इसका मुझे लगता है दृष्टिकोण ये है कि जब भी हम किसी सदस्य को पार्टी से निकालते हैं तो हम उसको एक दंड स्वरूप निकालते हैं, और दंड स्वरूप निकालने का जो भाव होता है वो ये होता है कि कम से कम हम उसको अगले चुनाव से वंचित करना चाहते हैं। और इसलिए चूंकि हमारे यहाँ हर जगह, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों और चाहे राज्यसभा के चुनाव हों, लगभग वो 5 वर्ष की आवृत्ति पे ही होते हैं, तो अगर हम किसी सदस्य को 6 साल के लिए निकालते हैं तो कम से कम इस चुनाव से भी वो वंचित होता है और अगले चुनाव से भी वंचित होता है। तो एक तो ये इसका व्यावहारिक दृष्टिकोण है कि हम 6 साल के लिए, हम 7 साल के लिए निकालें तब भी उसका इम्प्लीकेशन वही होगा, और हम 6 साल के लिए निकालें तब भी उसका इम्प्लीकेशन वही होगा, तो हम उसको 6 साल के लिए निकाल के ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि हम आगामी चुनाव किसी भी सूरत में आपको अपनी पार्टी के फोरम से नहीं लड़ने देना चाहते। दैट इज वन। लेकिन अगर इसकी गहराई में जरा विधिक प्रक्रिया में जाएं तो मुझे लगता है कि जैसे अपने यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ जब बनाया गया 1985 में, तो उसमें ये प्रावधान रखा गया कि कोई भी सदस्य अगर एक्सपेल किया जाएगा तो उसको हम डिफेक्टर नहीं मानेंगे। जब ड्राफ्ट उसका बना तब उसमें ये था कि डिफेक्टर को अगर किसी सदस्य को अगर एक्सपेल कर दिया जाता है, पार्टी से बाहर कर दिया जाता है, तो वो दल बदल माना जाएगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन बाद में कालांतर में ये सोचा गया कि दल बदल के द्वारा किसी सदस्य को एक्सपल्शन के आधार पर निकालना गलत होगा, क्योंकि वो एक राजनीतिक पहलू है। कभी आप पूर्वाग्रह से किसी को दल से निकाल सकते हैं या कुछ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में फाइनली ये प्रोविजन ड्रॉप कर दिया गया, और आज की तारीख में जो वर्तमान स्थिति है वो ये है कि अगर कोई पार्टी के सदस्य को एक्सपेल भी करती है तो लोकसभा में उसके राजनीतिक एफिलिएशन में कोई परिवर्तन तकनीकी दृष्टि से नहीं होता, और उसके बैठने की जो जगह होती है भले ही वो अलग कर दी जाती है, लेकिन वो उसी पार्टी के ही ब्लॉक में बैठने की उसकी व्यवस्था की जाती है। तो ये एक अहम पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट से लेके और सारे न्यायालयों ने इसको बिल्कुल स्पष्ट किया है कि एक्सपल्शन के बावजूद कोई सदस्य अपनी पार्टी एफिलिएशन से वंचित नहीं हो सकता, चाहे आप उसका नामकरण कुछ भी कर दीजिए। अच्छा, मान लीजिए कि अभी रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाला गया, राज्यसभा में है वो सांसद है, तो पार्टी के सारे पदों से तो वो हट गए, उनको हटा दिया गया, क्या राज्यसभा में जो उनकी स्थिति बनी हुई थी क्या वो बनी रहेगी? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये भी फिर वही पार्लियामेंट्री प्रोसेस और वहाँ के जो कानून है, संसदीय कानून है, उससे जुड़ता है कि संसदीय जो कानून है उनके अनुसार, चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, कोई सदस्य अगर अपनी पार्टी से एक्सपेल कर दिया जाता है तो उसके संसदीय दायित्वों पे और संसदीय पदों पे, सदन के द्वारा जो पद उसको कमेटी की, जैसे चेयरमैनशिप है या किसी कमेटी की मेंबरशिप है, उससे उसको वंचित नहीं किया जाता है, वो यथावत करता रहता है। उसका तकनीकी कारण ये है कि
संसद ये नहीं मानेगी या संविधान ये नहीं मानेगा कि आप अपनी पार्टी के सदस्य नहीं है, चाहे भले ही आपकी पार्टी ने आपको निकाल दिया है। जब तक आप स्वयं अपनी पार्टी से त्याग पत्र नहीं देंगे, और अपनी पार्टी से आप त्याग पत्र देंगे तो आप दलबदलू हो जाएंगे, तब तो आपकी सदस्यता चली ही जाएगी। तो कोई सदस्य जो एक्सपेल किया जाता है, चूंकि तकनीकी दृष्टिकोण से वो अपने पार्टी का सदस्य बना रहता है, इसलिए पार्टी के फोरम के द्वारा या पार्टी के कोटे के द्वारा जो भी सांसदीय पद उसके हिस्से में आते हैं वो सारे के सारे पद उसके पास बने रहते हैं। थैंक यू सर। मेरे साथ ही डॉक्टर एके वर्मा, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के जानकार हैं, लंबे समय से उत्तर प्रदेश पे लिखते आ रहे हैं, शोध कर रहे हैं। आपके मन में भी कोई सवाल है राजनीति से जुड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि उस सवाल का उत्तर हम आपको दे पाएं।